सो गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल, आप सभी का स्वागत है मेरे और नए ब्लॉग वीडियो पर। फ्रेंड आज मैं आपको लेकर आया हूँ मुंबई माता मंदिर, जो कि छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिला से लगभग 35 किलोमीटर की दूर पर रास्ते के किनारे में स्थित है। तो चलिए फ्रेंड मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ और आपको यहाँ का सुंदर सा नज़ारा दिखाता हूँ और माता का दर्शन कराता हूँ। तो फ्रेंड इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक करना मत भूलना ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप हमारी वीडियो बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक, मैं मिलता हूँ आपको वीडियो। यहाँ पर देख सकते हैं रास्ते के किनारे में माता का मंदिर लगा हुआ है और यहाँ पर देख सकते हैं दुकान वगैरह भी है, पूजा पाठ का आपको सामान यहाँ पर मिल जाएगा। और ये देख सकते हैं रास्ते के किनारे में जो मंदिर स्थित है। तो चलिए फिर हम अंदर की तरफ चलते हैं और आपको माता का दर्शन कराते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आते हैं बहुत सारे भालू माता का दर्शन करने के लिए और उनका प्रसाद पाने के लिए। तो चलिए फिर हम आगे चलते हैं और आपको माता का दर्शन कराते हैं। उससे पहले यहाँ पर रोड के किनारे में ये यहाँ पर और मंदिर है, उसका मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। यहाँ से देख सकते हैं, अंदर चलता हूँ मैं। तो फ्रेंड यहाँ पर है राम जानकी जी का मंदिर है, देख सकते हैं काफ़ी सुंदर मंदिर है। उसके बाद फिर हम अंदर की तरफ चलेंगे और आपको यहाँ का सुंदर सा नज़ारा दिखाएंगे। तो फ्रेंड इधर और कुछ नहीं है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। कुछ देर तक हमको भालू की प्रतीक्षा करनी होगी क्योंकि कुछ समय और लगेगा, आधा एक घंटे के बाद भालू यहाँ पर आते हैं और साथ ही साथ आपको माता का दर्शन कराएंगे। तो चलिए फिर आप हमारी वीडियो में ऐसे ही बने रहिए। तो फ्रेंड यहाँ पर और है मंदिर, अंदर चलते हैं और यहाँ पर और देख सकते हैं काफ़ी सुंदर है। यहाँ पर है माता विराजमान, यहाँ पर ये देख सकते हैं काफ़ी सुंदर है इनका मंदिर। तो चलिए फ्रेंड यहाँ का आपको दर्शन करा दिए, अब हम चलते हैं पहाड़ों वाली माता के पास जो ऊपर में है उनका शायद मेन स्थापना। तो चलिए फिर हम ऊपर की तरफ चलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं काल भैरव की यहाँ पर मूर्ति है और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छा मंदिर है, छोटा छोटा यहाँ पर है पिंडों में। अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं और ऊपर में आपको माता का दर्शन कराएँगे और भालू आने का समय कुछ टाइम के पश्चात हो जाएगा। मैं काफ़ी ऊपर आ चुका हूं और काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, आप ऊपर देख सकते हैं, और भालू का तो यहां पर इंतज़ार करना पड़ेगा, कितना टाइम में आएगा उसी को हम लोग देखने के लिए यहां पर आए थे और माता का दर्शन करने के लिए यहां आए हैं। अब देखते हैं क्या होता है आगे। सो फ्रेंड आप हमारी वीडियो में ऐसे ही बने रहिएगा। देखते हैं फ्रेंड काफ़ी खड़ी चढ़ाव और काफ़ी बहुत ही अच्छा रास्ता है जाने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं इधर क्या क्या है, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर है शेषनाग जी का ये मंदिर है, इधर चलते हैं क्या है। और मेरे ख्याल से लगता है भालू इधर से आता होगा क्योंकि ये रास्ता उन्हीं का लग रहा है। उसके बाद हम फिर मंदिर के ऊपर में चलेंगे, इधर और क्या क्या देखने के लिए हमको मिल जाएगा। चलिए फिर इधर हम आपको बाद में दिखाएंगे, पहले हम मंदिर के ऊपर में चलते हैं, कुछ टाइम के बाद हम पहुंच जाएंगे। चलिए फ्रेंड हम लोग पहुंचने ही वाले हैं, काफ़ी ऊपर तक आ चुके हैं। सो फ्रेंड यहां पर लिखा हुआ है मुंबई माता जाने का रास्ता और मंदिर जाने का रास्ता यहां पर है। ये इधर का निशान है और यहां पर और निशान है, समझ नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं हम इधर चलते हैं। सो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं शायद यहाँ पर है माता, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा क्योंकि थोड़ा अंधेरा है अंदर और बहुत ज़्यादा धूप होने की वजह से माता का ठीक से दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए फ्रेंड हम इस तरफ और चलते हैं और यहाँ पे और क्या क्या है आपको दिखाते हैं। इधर और गुफा वगैरह कुछ है शायद मेरे ख्याल से। यहाँ पे पिंड में देवी देवताओं का आपको दर्शन करने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर ओनली फोर छत है, उसके बाद कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर है देवी देवताओं का ये स्थापना यहाँ पर भी है और यहाँ से देख सकते हैं काफ़ी सुंदर नज़ारा है और बहुत ज़्यादा धूप भी है। सो फिर यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ पर। उसके बाद हम और यहाँ पर क्या क्या देखने के लिए मिल जाएगा उसको भी हम आपको रूबरू कराएंगे, उसको भी आपको दिखाएंगे। सो फ्रेंड ये देख सकते हैं
काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है यहाँ से शहर, इधर गांव, खेत खलियान। तो चले फ्रेंड हम आगे की तरफ और चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। तो चले फ्रेंड आगे की तरफ चलते हैं, इधर हम ऊपर की तरफ, और क्या यहाँ पर देवी देवताओं का दर्शन करने के लिए मिल जाएगा उसका आपको दर्शन कराते हैं। फ्रेंड ऊपर की तरफ चलते हैं ऊपर में, और उधर झंडे वगैरह टंगा हुआ है उधर, और हमको माता का साथ दर्शन करने के लिए मिल जाएगा। और भालू की तलाश में आए थे और भालू तो आ नहीं रहा है, कितना टाइम आएगा, शाम के समय आएगा ऐसा करके बोलते हैं। और 4 बजने ही वाला है, और यहाँ पर 4 बजने के बाद इधर ऊपर आने के लिए मना है, ऊपर नहीं जा सकते आप दर्शन करने के लिए, क्योंकि इधर भालू आने का समय हो जाता है, इसलिए शायद मंदिर के ऊपर में जाने के लिए किसी को नहीं देते हैं। तो चलिए फ्रेंड ये मंदिर के पास मैं ऊपर में और पहुंच गया हूँ, यहाँ पर क्या चीज़ है उसको देखते हैं, शायद उसके बाद आपको कुछ देर तक प्रतीक्षा करना होगा, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे आपसे। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में और मंदिर है, चलते हैं ऊपर की तरफ। फ्रेंड ऊपर सो फ्रेंड देख सकते हैं काफ़ी सुंदर यहाँ पर सीढ़ी बनाया गया है ऊपर में जाने के लिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ से आपको जो ऊपर का जो नज़ारा है काफ़ी सुंदर दिखने वाला है। आप थोड़ा सा 2 मिनट इंतज़ार कीजिएगा, मैं पहले आपको माता का दर्शन करा देता हूँ। लगता है माता का मेन स्थापना यही है, बहुत ही ज़्यादा धूप है, आपको माता का दर्शन यहीं से करा देता हूँ। देख सकते हैं ताला वगैरह लगा हुआ है। आप घर बैठे माता का दर्शन कर लिए। तो चलिए फ्रेंड मैं आपको ऊपर का नज़ारा दिखाता हूँ जो काफ़ी सुंदर है, यहाँ से और काफ़ी सुंदर लगता है। सो फ्रेंड आप यहाँ से देख सकते हैं रास्ता काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर। और इधर ये जो भालू वगैरह आते हैं शायद इस वाले जंगल से आते हैं, जो कि काफ़ी बहुत ही ज़्यादा घना वाला क्षेत्र है, उतना ज़्यादा तो जंगल नहीं है, पर भालू पहाड़ी इलाका में ज़्यादा रहना पसंद करते होंगे ऐसा लगता है, मुझे उतना तो मैं जानता नहीं हूँ। सो फ्रेंड यहाँ से देख सकते हैं काफ़ी सुंदर यहाँ पर दिखाई देता है ये नज़ारा। और देख सकते हैं इधर मैं जो जंगल की बात कर रहा था वो ये है। तो चलिए फ्रेंड आप यहाँ का भी खूबसूरत सा नज़ारा देख लिए, अब मैं इधर से ऐसा दिखाता हूँ आपको। बहुत ज़्यादा धूप होने की वजह से कैमरा में भी अच्छे से ठीक से है कि लाइटिस नहीं आ रहा है इधर से, और क्या चीज़ है। अब कुछ देर तक भालू की भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, बोल रहे थे पंडित जी 5-6 दिन तक तो नहीं आए हैं भालू ऐसा करके, आज देखते हैं शायद अगर हमारी किस्मत अच्छी होगी तो आपको भी दर्शन करा देंगे और हम भी दर्शन कर लेंगे। फ्रेंड मैं कुछ देर तक भालू की प्रतीक्षा करता हूँ, यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ मैं, कुछ देर के बाद यहाँ पर टपरी में जाके चाय वाय पीते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगेगा उसको आने के लिए यहाँ पर। और ये जो जाली लगा हुआ है इधरी से वो लोग आते हैं ऐसा करके बोलते हैं, और मैं तो पहले कभी देखा नहीं हूँ, देखते हैं, रुकता हूँ मैं यहाँ पर अभी। सो फ्रेंड आप हमारी वीडियो में ऐसे ही बने रहिएगा। 1 से 1.5 घंटा हो चुका है, मैं यहाँ पर बैठ बैठ के परेशान हो गया हूँ, यहाँ पर भालू की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, बट भालू है कि वो आ ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ जंगल में गुम हो गया है। देखते हैं कुछ देर तक और आधा घंटे के बाद में कि भालू कहाँ गया है। पंडित जी यहाँ पर बता रहे थे कि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो लोग नहीं आ रहे थे यहाँ पर, क्या पता जंगल में 4 तेंदू खाने के लिए वो लोग गए होंगे इसीलिए वो लोग आ नहीं रहे हैं यहाँ पर। बड़े बोलते हैं कि यहाँ पर तो व्यवस्था बहुत ही अच्छा रहता है, उन लोगों के लिए खाना पीने के लिए बहुत अच्छा सामान वगैरह देते हैं, फिर भी यह भालू का बच्चा यहाँ पर आ नहीं रहा है। देखते हैं कुछ देर तक मैं यहाँ पर और प्रतीक्षा करता हूँ, अगर आ जाएगा, अगर हमारी किस्मत में होगा तो बहुत अच्छी बात है, और आपको भी यहाँ का भालू का नज़ारा दिखाएंगे। तो चलिए फ्रेंड आप हमारी वीडियो में ऐसे ही बने रहिए। फ्रेंड मैं बहुत देर से भालुओं की प्रतीक्षा कर रहा हूँ पर वो लोग अभी आ नहीं रहे हैं, अब हमारे जाने का टाइम हो चुका है, शाम बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और ये भी बाहर से आए हुए हैं, ये भैया कहीं बाहर से आए हो, ये भी देख रहे हैं भालू की प्रतीक्षा कर रहे हैं, मगर भालू आने का नाम ही नहीं ले रहे, वो आ ही नहीं रहे हैं। और देख सकते हैं इधर जंगल भी सुनसान पड़ा हुआ है, टाइम हो चुका है, शाम हो चुका है, फिर भी वो लोग आ नहीं रहे हैं। अब हम यहाँ पर चलते हैं, और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना, हम आप लोगों के लिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहते हैं। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक ले जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।